भैया दोस्त, पर परिवहन निगम की क्या तैयारियां, इसी को लेकर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ एआरएम वैशाली डिपो एसपी सिंह सर हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि भैया दूज का त्योहार है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और शहर का प्रमुख बस अड्डा है, क्या तैयारी आपकी तरफ से की गई है? हमारे यहाँ पर जो है वैशाली डिपो लोकल संचालन के लिए है और ज्यादातर से भीड़ जो है लोकल ही चलेगी भैया दूज में। इसलिए हमारी गाड़ियाँ जो है सवारी के हिसाब से हम लोग ट्रिप बढ़ा देते हैं। जैसी जैसी सवारी हमें जहाँ की भी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम अपनी गाड़ी को एक्स्ट्रा भेज देते हैं। अच्छा, बाकी हमारे डिपो में 172 गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा मेरठ में 171 गाड़ी है, वो भी हमारे डिपो वैशाली डिपो से संचालित होती हैं। इसके अलावा बाहर की भी गाड़ियाँ लगभग 200-300 गाड़ी तो बाहर की भी आ जाती है जो अप डाउन करती रहती है। सर वैसे ये तैयारी पहले ही कर लेते हैं सर, पहले प्लान ये बना। हमारा सर मुख्यालय स्तर से 29 तारीख से 10 तारीख तक जो है प्रोत्साहन योजना चालू करेंगे। इसमें जो है परिचालकों को और चालकों को और कार्यशाला कर्मचारियों को इनाम भी दी जाती है और इसमें सबकी सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग संचालन कर सकें। अच्छा, तो इस समय मतलब जो भैया दो जो छठ तक करी है, भैया दो तक की, छठ तक पूरी तरह तैयारी रहेगी सर, ये चलता रहेगा लगातार, तो सबकी छुट्टी कैंसिल है छठ तक। सबकी छुट्टी कैंसिल है सर। अच्छा, सर जैसे देखते हैं कई बार ये हो जाता है कि इतनी भीड़ आ जाती है, बसें नहीं होती है, उस कंडीशन में आपके ना पास रहती है बस? कई बार ऐसे समस्या हो जाती है लेकिन मंगा ली जाती है गाड़ियाँ। कई बार ऐसा होता है जाम की समस्या, जाम होने के कारण जो है गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अक्सर दिल्ली में ऐसा होता है कि गाड़ियाँ बस अड्डे तक पहुंच नहीं पाती, जाम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे खुल ही जाता है। आखिर लोगों को आना है तो होता ही है, उसमें जो है समस्या निपट जाती है। अच्छा, जाम की समस्या के समस्या कारण जो है गाड़ियों की कमी नहीं है, गाड़ियाँ आती रहती है जाती रहती है, आते आते, पूरी मतलब भैया दोस्त को लेकर पूरी तरीके से जो तैयार है अपन है। तैयारी सर, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, कोई कमी नहीं। अच्छा, जो पुराने प्लान होते होंगे उन्हीं के अनुसार सर काम चलता होगा। हाँ वो पहले से प्लानिंग कर ली जाती है, जैसे आपको बताया नहीं प्रोत्साहन योजना में सभी की स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है और स्टेशनों में सभी बाबू वगैरह की छुट्टी ड्यूटी लगा दी जाती है। मतलब हर मतलब आराम ऑफिस के बाबू कर्मचारी भी इस समय जो है स्टेशनों में ड्यूटी करते हैं छुट्टी ना लेकर के, तो तैयारी रहती है पूरी। अच्छा, अगर इस वैशाली डिपो की बात करें तो निगम की कितनी बसें हैं, टोटल कितनी बसें हैं? वैशाली टोटल अनुबंधित बसें हैं और 172 बसों का डिपो है ये, इसमें सभी अनुबंधित बसें हैं। सभी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एआरएम वैशाली डिपो एसपी सिंह हैं, उनका सीधा ये कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार अगर कहीं जाम लग जाता है तो थोड़ी बसों में दिक्कत जरूरी आ जाती है, लेकिन तैयारी इनकी पूरी है, बसें पर्याप्त है, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यानी जो भैया दोष पर बहनें अपने भाइयों को तिलक करने के लिए जाती हैं या आती हैं, तो जो परिवहन निगम है उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।